Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. दार्जिलिंग के इस घर में जवान बेटे के जाने का मातम पसरा है। बेटा अब घर नहीं लौटेगा। फोटो वाली माला है उसकी याद दिलाती रहेगी। मम्मी पापा और एक बहन के साथ ब्रजेश थापा का बचपन गुजरा। दार्जिलिंग के बड़ा गिग बाजार के मोहल्ले के हर घर में कैप्टन ब्रजेश थापा को याद किया जा रहा है। उसी मोहल्ले में कभी ये चर्चा रही कि थापा जी का लड़का आर्मी में कैप्टन है। थापा परिवार के घर मोहल्ले गली तक पहुंची ब्रजेश थापा की शहादत की खबर। ऐसी खबर जिसे कोई सुनना तो नहीं चाहता। ब्रजेश थापा के सामने आर्मी में जाना करियर का अकेला एक विकल्प नहीं था। ब्रजेश थापा के सामने हाई पेइंग सैलरी और इत्मीनान वाला कॉर्पोरेट करियर था। आनंद बाजार पत्रिका की रिपोर्ट के मुताबिक दार्जिलिंग से स्कूलिंग करने के बाद ब्रजेश थापा इंजीनियरिंग करने मुंबई गए थे। मुंबई में इंजीनियरिंग करते हुए ब्रजेश थापा का मन लगा नहीं। परिवार के मना करने के बाद भी बीटेक करने के बाद आगे इंजीनियरिंग में करियर नहीं बनाया। ब्रजेश ने कंबाइंड डिफेंस सर्विस यानी कि CDS के लिए ट्राई किया। पहली कोशिश में 2018 के बैच में CDS क्वालिफाई कर लिया। 2019 में ब्रजेश थापा इंजीनियर से आर्मी के कैप्टन बन चुके थे। पिता ने कहा था कि आर्मी का जीवन बहुत कठिन होता है, चाहो तो नेवी में चले जाओ या कोई और जॉब कर लो, लेकिन कैप्टन थापा के जीवन में जो लिखा था वही हुआ। ब्रजेश थापा की पहली पोस्टिंग करीब साल भर तक 10 राष्ट्रीय राइफल्स में रही। वहीं से उनका ट्रांसफर डोडा हुआ। स्पेशल विंग 145 आर्मी एयर डिफेंस में कैप्टन ब्रजेश थापा कंपनी कमांडर थे। डोडा कैप्टन थापा की आखिरी पोस्टिंग साबित हुई। कैप्टन थापा की यूनिट को जंगल में आतंकियों के मूवमेंट का इनपुट मिला। रात 9 बजे कैप्टन अपनी यूनिट के साथ जंगल में जा डटे। आतंकियों के साथ भयंकर गोलीबारी शुरू हो गई। सपोर्ट के लिए एडिशनल यूनिट भी आ गई। 20 यूनिट की भयंकर गोलीबारी में कैप्टन और उनके साथ 4 और जवान जख्मी हो गए। उनको अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर कुछ कर पाते। सुबह होने से पहले कैप्टन ने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। कैप्टन थापा भी उस पथ पर गए जिस पथ पर गए वीर अनिल। आर्मी ही क्यों, इंजीनियरिंग क्यों नहीं? इस सवाल का जवाब ये है कि उनके पिता भुवनेश थापा भी आर्मी में रहे। भुवनेश थापा 2014 में आर्मी के कर्नल होकर रिटायर हुए। परवरिश सैनिक माहौल में हुई। माँ नीलिमा ने बचपन की कहानी सुनाई कि बचपन से ही ब्रजेश आर्मी की ड्रेस पहनकर घूमा करते थे। जुनून था आर्मी के लिए। माँ को बेटे की बहादुरी पर गर्व है, खुशी है, लेकिन माँ ये दुख छुपा नहीं पाई कि अब बेटे से कभी मिल नहीं पाएगी। पिछली मुलाकात मार्च में हुई थी। इस महीने आना था, लेकिन अब बेटा नहीं, उनका पार्थिव शरीर घर आया है। नहीं, वो तो सभी अभी तो जाने तो चाहिए ना, क्योंकि नेचुरली नहीं तो देश में कौन लड़ेगा फिर? आप हम लोग जैसे कहाँ बैठेंगे, है ना? उन लोग वहाँ पे बॉर्डर में बैठे हुए, इसलिए हम लोग यहाँ पे आराम से बैठे हुए। नॉट ओनली मैं, सभी लोग, है ना? अगर वहाँ पे नहीं होगा तो ये फिर सारा ये लोग तो सिटी खत्म कर देगा। आप सोचो, ऐसे भी है ना, उनको वहाँ पे रखना भी जरूरी है, नहीं तो उनके लिए तो फ्री हैंड हो जाएगा फिर, वो तो कहीं भी घुस जाएगा फिर, अच्छा होगा ना? बट अभी देखेंगे, गवर्नमेंट कुछ करेगा शायद। अभी तो कल से उनका ऑपरेशन थोड़ा सा ज्यादा उसमें चला गया। कैप्टन थापा जैसे बहादुरों की शहादत पर देश गुस्से में है। सरकार पर गुस्सा निकाला हुआ है, लेकिन पिता कर्नल थापा ने गजब का ठंडा बांध रखा है। कह रहे हैं कि बेटे ने तो देश की ड्यूटी की है, सरकार आतंकियों के खिलाफ एक्शन ले रही है। छोटे से ही उनको हमने बताया भी था, अगर आर्मी में नहीं जाना किसी और, क्योंकि उसने इंजीनियरिंग कर रखा है, बीटेक किया हुआ है, तो उन्होंने बोला था, लेकिन वो बोला नहीं, मैंने आर्मी में ही जाना है। तो हमेशा मेरा भी कोई आर्मी का जैसे जैकेट वगैरह है वो भी लगा के वो घूमते थे। हाँ, तो शौक था इसीलिए। नहीं, ये तो घुसपैठ तो होता ही है, लेकिन क्या है, ये इसको
क्योंकि कभी ज़्यादा मिलिटेंट्स आ जाता है और उसको ये जरूरी मतलब हर मिलिटेंट को जंगल में दिखने हम दिखने पाते हैं क्योंकि जंगल बहुत वास्ट होता है और मिलिटेंट्स कहीं पर भी जा सकता है। तो इसीलिए क्या है, ये चाहे कितने भी मिलिटेंट्स आ जाए बहुत मुश्किल होता है। जब हम मैं भी फौजी हूँ, मैंने भी ऐसे मिलिटेंसी में काम किया है, वो बहुत मुश्किल होता है काम की हर एक मिलिटेंट्स को ढूंढ पाना या आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। तो इसीलिए क्या, ये तो कभी किस्मत का बात है कि किसी को सामने मिल जाता है, किसी को कुछ हो जाता है, तो किस्मत का बात है। डोडा ऑपरेशन में कैप्टन थापा के साथ कुल 5 जवान शहीद हो गए। 15 जनवरी को आर्मी डे पर पैदा हुए कैप्टन थापा सिर्फ 26 साल में आर्मी के लिए समर्पित हो गए। बारात निकालने से पहले अंतिम यात्रा निकल रही है। ऐसे वीर जवानों को हमारी तरफ से शत शत नमन।